Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Frag Brothers. I'm your friend Kaushik, and today in this video I'm going to give you some tips and tricks of making essential oil-based perfumes at home. So let's start. दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आप में से कई सारे व्यूअर्स ने हमें कॉल किया था और हमारे पास व्हाट्सएप में मैसेजेस भी आए हैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जितना भी थोड़ा सा नॉलेज है नेचुरल परफ्यूम मेकिंग की वो हम इस वीडियो पे बेझिझक आपके साथ शेयर करें। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरे पॉइंट्स पे, और मेन टॉपिक में आने से पहले हम आपके कुछ क्वेश्चंस और कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये नेचुरल एसेंशियल ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स और इत्र मार्केट में अवेलेबल कॉमर्शियल इत्र और परफ्यूम्स के साथ कंपेरेबल हैं या नहीं? तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप इन दोनों चीज़ों को कभी कंपेयर ही मत कीजिए, क्योंकि ये फीलिंग्स की बात है। और नेचुरल एसेंशियल ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स और इत्र पे हमें जो फीलिंग मिलता है, जो काम कंपोजिट एक सॉफ्ट फीलिंग मिलता है, वो आपको मार्केट में अवेलेबल सिंथेटिक या फिर सेमी नेचुरल चीज़ों पे नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको एक अलग टाइप की एरोमा प्रोफाइल मिलती है, जो लाउड है, लॉन्ग लास्टिंग है और उसकी एरोमा दूर दूर तक फैलती है। तो ये चॉइस की बात है। अगर मुझे सॉफ्ट फीलिंग्स वाले परफ्यूम्स या फिर इत्र पसंद है जो नेचुरल ओरिजिन की है, तो मैं नेचुरल चीज़ों को ही सपोर्ट करूंगा। और अगर आपको लगता है कि आप ओकेशनली इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहेंगे जो लाउड है, जो लॉन्ग लास्टिंग है और आपको एक लास्टिंग इंप्रेशन मिलेगा, लोग आपको नोटिस करेंगे, तो आप सिंथेटिक चीज़ों पर जाइए। पर एक बात आप याद रखिए कि अगर बहुत दिनों से आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात जो सिंथेटिक चीज़ें हैं, तो आपको इरिटेशन, सरदर्द और ऑल्फैक्टरी फैटिक जैसे इश्यूज हो सकती है। पर नेचुरल चीज़ों को आप जितना चाहे इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पे आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज या फिर इरिटेशन नहीं आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि इन दोनों चीज़ों में से कौन सा अच्छा है या फिर ये कंपेरेबल है या नहीं, इसकी वैसा कोई वैलिडिटी नहीं रहता। ये चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है और ये आप तय करेंगे कि आपको इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है और इसमें से कौन सी चीज़ को आप ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है कि क्या ये एसेंशियल ऑयल बेस्ड परफ्यूम ऑयल्स या फिर फ्रेग्रेंस ऑयल इजीली इथानॉल के साथ मिक्सेबल हैं या फिर यहाँ पे सेडिमेंटेशंस की इश्यूज आते हैं? तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि एसेंशियल ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स की कलर बेसिकली योलो से लेके अम्बर कलर की होती है और ये थोड़ा सा धुंधला टाइप का है। ये कॉमर्शियल परफ्यूम्स के जैसा क्लियर या फिर ट्रांसपेरेंट कलर पे नहीं बनती, और इसकी कारण है ऑयल में उपस्थित रेजिन्स। जिन ऑयल्स को हम बेस ऑयल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ओलिबेनम, बेंजोइन, लैबडेनम, स्टाइरेक्स, मीर या फिर एगरवुड ऑयल, ये सारे बेसिकली रेजिनस टाइप के ऑयल हैं। और ये जो रेजिन वाला पार्ट है, ये अल्कोहल में फ्लोट करता है, ये कभी मिक्स नहीं हो पाता। तो फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रिपरेशन जब आप करते हैं, उसके बाद आप इसको कॉफ़ी फिल्टर पेपर के ऊपर से एक दो बार पास कर लीजिए। उससे क्या होगा, जो सेडिमेंट वाली जो पार्ट है या फिर ये जो रेजिनस पार्ट है, ये थोड़ा बहुत फिल्टर्ड हो जाएगी, पर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला कमर्शियल परफ्यूम्स के जैसे। तो ये बात आप याद रखिए। और ओवर सेडिमेंटेशन तभी हो सकता है जब आप रेजिनस ऑयल को बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे या फिर आपकी एल्कोहल में पानी का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आता है थर्ड क्वेश्चन, नेचुरल एसेंशियल ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स की डिफ्यूशनल स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है और यहाँ पे हमें एक अच्छा फैलाव नहीं मिलता, तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए दोस्तों, नेचुरल एसेंशियल ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स की जो डिफ्यूशनल स्ट्रेंथ है, ये मेनली हमें मिलता है इसकी टॉप नोट से। तो अगर टॉप नोट को आप सही तरह से बिल्टअप नहीं करेंगे, तो आपको अच्छा डिफ्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इन नेचुरल परफ्यूम्स की टॉप नोट ही है जो अच्छी तरह से डिफ्यूज करती है, और जो मिड नोट है ये बेसिकली बॉडी के आसपास एक हल्का सा रेडियस बना के रखता है, और जो बेस नोट है ये स्किन नोट बन जाते हैं। तो टॉप नोट को अगर आप सही तरह से प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे आप राइट मात्रा में ब्लेंडर्स और फिक्सेटिव्स को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे डिफ्यूशनल स्ट्रेंथ जो है ये आपको मॉडरेट से लेके अच्छा एक परफॉर्मेंस दे सकता है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, परफ्यूम मेकिंग। तो परफ्यूम मेकिंग के लिए आपको जानना है एसेंशियल ऑयल्स के ब्लेंडिंग फैक्टर्स, और इनके ब्लेंडिंग फैक्टर्स के बारे में जानना बहुत ही आसान है। आप गूगल में जाके लिखिए एसेंशियल ऑयल ब्लेंडिंग फैक्टर्स चार्ट, तो आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप ओपन करके देखिए, आपको ये वाला चार्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक से लेके सात या फिर आठ तक एसेंशियल ऑयल्स की ब्लेंडिंग फैक्टर्स की वैल्यू बताया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली पाँच से लेके आठ तक जो वैल्यू है, मतलब जो हायर वैल्यूज के एसेंशियल ऑयल्स है,
उन्हें इस्तेमाल किया जाता है परफ्यूम की टॉप नोट पे, और मीट नोट और बेस नोट पे 4 से लेकर 1 तक वैल्यू की जो भी ऑयल्स है उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो परफ्यूम की अगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, जहाँ पे एक टॉप नोट है, एक मिड नोट है, एक बेस नोट है, तो इन 3 अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज की एसेंशियल ऑयल्स जाने वाला है। टॉप नोट पे बेसिकली हाई ब्लेंडिंग फैक्टर वाले जो ऑयल्स है उन्हें हम इस्तेमाल करेंगे, मिड नोट से लेके बेस नोट तक जो 4 से लेके 1 के बीच वैल्यूज के एसेंशियल ऑयल्स है उन्हें हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों यह है मेरा पर्सनल नोटबुक और इस पे मैं अपने जो एक्सपेरिमेंट है, अपने जो फॉर्मूलाज है उनको मैं लिख कर रखता हूँ। तो इस डायरी से मैं आपको 1-2 पन्ने दिखाता हूँ जहाँ पे एसेंशियल ऑयल्स की ब्लेंडिंग्स के बारे में आपको क्लियर जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, हमने परफ्यूम मेकिंग की एक बेसिक गाइडलाइन को उल्लेख किया है। तो कोई भी एक परफ्यूम की अर्थात परफ्यूम ऑयल की जो इंटर कंपोजिशन है उसको हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, टॉप नोट, मिडिल नोट एंड बेस नोट। और इन 3 नोट्स की जो क्वांटिटी है उनको हमने इस तरह से डिवाइड किया है, अर्थात टॉप नोट के एलिमेंट्स रहेंगे 30%, मिडिल नोट के एलिमेंट्स रहेंगे 50% और बेस नोट के एलिमेंट्स रहेंगे 20%। तो आप मान लीजिए कि आप 100 ml की एक अल्कोहल वर्शन की परफ्यूम रेडी करना चाहते हैं, तो उस 100 ml में आप 20 ml तक की परफ्यूम ऑयल को लेने वाले हैं। तो उस 20 ml को अगर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो 20 ml की 30% आती है 6 ml। तो 6 ml क्वांटिटी तक टॉप नोट के जो मटेरियल्स हैं उनको आप डालेंगे। अब मिडिल नोट की जो मटेरियल्स हैं उनको आप 50% क्वांटिटी तक डालेंगे। तो 20 ml का 50% आएगा 10 ml। तो 10 ml क्वांटिटी तक मिडिल नोट की जो चीज़ें हैं उनको डाला जाएगा। फिर बेस नोट है 20%। अब 20 ml का 20% है 4। तो 4 ml तक डाला जाएगा बेस नोट की चीज़ों को। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा बहुत ब्लेंडर्स और फिक्सेटिव्स को। अब ये जो ब्लेंडर है ये टॉप नोट में ऑलरेडी रह सकते हैं पहले से, या फिर इनको बाद में अलग से थोड़ा सा ऐड किया जा सकता है, और जो फिक्सेटिव्स हैं इनको अब अलग से डाल सकते हैं। तो ये जो ब्लेंडर्स हैं या फिर फिक्सेटिव्स हैं ये केमिकल या फिर सिंथेटिक वर्शन के भी हो सकते हैं, या फिर आप नेचुरल चीज़ों को भी ब्लेंडर्स और फिक्सेटिव्स के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उसके बारे में हम और भी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए नीचे जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एसेंशियल ऑयल्स की जो ब्लेंडिंग फैक्टर्स हैं उनका हमने उल्लेख किया है। तो अब हम आते हैं एक दूसरे पेज पे जहाँ पे मैं आपको एलाबोरेट तौर पे ये दिखा पाऊँ। तो देखिए यहाँ पे एक परफ्यूम के फॉर्मुलेशंस को हमने डिस्कस किया है। तो एक परफ्यूम यहाँ पे हम तैयार कर चुके हैं जिसका टॉप नोट था 20%, 30% था मिड नोट और 50% था बेस नोट। और इस परफ्यूम को हमने तैयार किया था 30 ml। तो 30 ml की जो परफ्यूम था वहाँ पे 6 ml एक्चुअली ऑयल था, बाकी 24 ml अल्कोहल और वाटर की मिक्सचर था। तो यहाँ पे टॉप नोट पे हमने इस्तेमाल किया था पाइनएप्पल और ऑरेंज, मिडिल नोट पे हमने इस्तेमाल किया था रोज़, वेनिला, जैस्मिन, और बेस नोट पे हमने डाला था लैबडेनम, ओक मॉस और एम्बर। तो अब सबसे पहले इनकी जो ब्लेंडिंग फैक्टर्स है इनका हमने यहाँ पे उल्लेख किया है। पाइनएप्पल का ब्लेंडिंग फैक्टर है 3, फिर ऑरेंज का है 7, रोज़ 1, वेनिला 4, जैस्मिन 1, लैबडेनम 4, ओक मॉस 2 और एम्बर 4। तब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जब हम टॉप नोट को क्रिएट कर रहे हैं, आप देखिए इस जगह को, पाइनएप्पल इज टू ऑरेंज, अर्थात इनको हम रेशियो के तौर पे यहाँ पे लिख लिए हैं। तो पाइनएप्पल का ब्लेंडिंग फैक्टर था 3 और ऑरेंज का था 7, सो 3:7। और टॉप नोट में जो टोटल क्वांटिटी हम इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसको आप पहले देख लीजिए, 6 ml की 20%। 6 ml की 20% जो वैल्यू है वो होगा टॉप नोट की एंटायर क्वांटिटी। तो 6 ml की जो 20% है इसको आप देखिए, ये आता है 1.2। तो इस 1.2 टोटल क्वांटिटी है उसको हमें 3:7 में डिवाइड करना है। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इससे हमारा पाइनएप्पल आया था 0.30 ml, ऑरेंज आया था 0.84 ml। अब है मिड नोट। अब मिड नोट कितना था, मिड नोट था 30%, अर्थात 6 ml की 30%। 6 ml की 30% अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए
ये आता है 1.8। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो है रोज़, वेनिला, जैस्मिन। तो इनको अगर हम रेशियो के तौर पे लिखते हैं तो 1:4:1। तो रोज़ का आता है मैथमेटिक्स के हिसाब से 0.30 ml, वेनिला 1.20 ml, जैस्मिन 0.30 ml। अब आता है बेस नोट। अब बेस नोट का टोटल जो क्वांटिटी था वो है 50%। यहाँ पे हमने बेस नोट को काफ़ी हाई रखा था। अब बेस नोट पे आप देखिए, लैबडेनम है, ओक मॉस है, एम्बर है। अब इनका पहले हम रेशियोस देख लेते हैं, 4:2:4, और 6 ml की अगर हम 50% कैलकुलेट करते हैं तो ये है 3 ml। तो रेशियो के मैथ के अनुसार लैबडेनम है 1.2, ओक मॉस है 0.60 ml और एम्बर है 1.2 ml। तो अब इनको अगर हम सही तरह से मिक्स करते हैं तो ये परफ्यूम बन जाता है। तो देखिए, यह फाइनल कंपोजिशन ऑफ जेस्ट। इस परफ्यूम का मैंने नाम दिया था जेस्ट। तो यहाँ पे टॉप नोट है पाइनएप्पल की 0.30 ml, ऑरेंज 0.84 ml, मिड सेक्शन में है रोज 0.30 ml, वनीला 1.20 ml, जैस्मिन 0.30 ml, बेस में है लैबडेनम 1.20 ml, ओक मॉस 0.60 ml, एम्बर 1.20 ml। तो दोस्तों, इस पेज में हमने कुछ परफ्यूम ब्लेंडर्स और उनके टाइप्स के बारे में उल्लेख किया है। तो इसको आप अच्छी तरह से देखिए, ये जो ब्लेंडर्स हैं ये बेसिकली केमिकल बेस्ड या फिर सिंथेटिक चीज़ें हैं, पर इनको हम नेचुरल परफ्यूमरी और सिंथेटिक परफ्यूमरी दोनों जगह पे ही इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये बात थोड़ा सा अजीब लगेगा कि नेचुरल परफ्यूमरी में ये सिंथेटिक चीज़ों की क्या रोल है। तो ये आप जान लीजिए कि इन चीज़ों को अगर आप सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके कंपोजिशन में डिजायर्ड बैलेंस कभी भी क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आता है ISO सुपर, इसकी टाइप है UD। फिर आता है एम्ब्रेटोलाइट, यह है वार्म मास्क। फिर है एमाइल सिनामिक एल्डिहाइड, यह है सॉफ्ट फ्लोरल। फिर आता है एमाइल सैलिसिलेट, यह है ग्रीन फ्लोरल। फिर है वेंजाइल सिनामेट, यह है बल्समिक स्पाइसी। फिर है इथाइल वैनिलिन, यह है स्वीट। वीरामोस उसके बाद आता है, लाइट आरती टाइप की। फिर है एक्सल्टोलाइट जो है वैक्सी सॉफ्ट मास्क। फिर है फिक्सेटिव 505 जो है क्लीन वाइट मास्क। फिर है गैलेक्सोलाइट, ये क्लीन वाइट मास्क है। फिर है हेक्साइल सिनामिक एल्डिहाइड, सॉफ्ट ग्रीन फ्लोरल। तो ये जो ब्लेंडर्स हैं इनको आप इस्तेमाल करेंगे आपके कंपोजिशन में तो आप अच्छा रिजल्ट इनसे ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप में से कई सारे व्यूअर्स ऑलरेडी समझ गए हैं परफ्यूम की बेसिक स्ट्रक्चर को, और कुछ लोग अभी भी रेशियोस के मैथ पे रुके हुए हैं। तो चलिए, उन लोगों के लिए रेशियोस का जो मैथ है ये भी मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये 3 चीज़ें हैं, A, B और C। अब ए की ब्लेंडिंग फैक्टर है 4, बी की ब्लेंडिंग फैक्टर है 2 और सी की ब्लेंडिंग फैक्टर है 1, और टोटल जो ऑयल है ये है 10 ml। तो 10 ml में ए कितना जाएगा, फिर बी कितना जाएगा और सी कितना जाएगा, ये हमें पता लगाना है। तो इनको पहले हम लिख लेते हैं, A:B:C। तो ये आता है 4:2:1। अब इन 3 वैल्यूज को आप ऐड कर लीजिए, अर्थात 4+2+1=, आता है आपका 7। अब टोटल क्वांटिटी है ये 10 ml, देख लीजिए। अब इस 10 ml में ए कितना है, इसकी फॉर्मूला है, ये जो मिला 7 ये गया नीचे, ए की वैल्यू था 4, 4 गया ऊपर। अब जो 10 है ये आ गया यहाँ पे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो है ए की क्वांटिटी। फिर ऐसा ही आता है बी, बी की आता है 2/7×10, और जो सी है उसका भी सेम है, 1/7×10। अब ये जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे ये होंगे इनके क्वांटिटी, तो उसी क्वांटिटी में इन चीज़ों को हम
मिक्स कर पाएंगे। तो होप ये आपका क्लियर हो गया है। तो अब आप घर में ये जो मिक्सिंग है अर्थात जो ब्लेंडिंग है इनको जरूर एक बार ट्राई करके देखेंगे। तो दोस्तों परफ्यूम मेकिंग की बेसिक स्ट्रक्चर तो आप समझ गए हैं, अब इन ब्लेंडर्स को आप कैसे सही तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखिए मेरा ये मानना है कि आप पहले छोटी क्वांटिटी में परफ्यूम लीजिए और उस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप के तौर पे ब्लेंडर्स को आप डालते रहे, और जब आपको सेचुरेशन मिल जाता है अर्थात आपकी परफ्यूम की बैलेंस परफेक्ट बन जाती है उतना तक आप डाल के उसकी एक रेशियो को कैलकुलेट कर लीजिए। अब वही रेशियो को आप इस्तेमाल करना लार्ज क्वांटिटी के प्रोडक्शन के टाइम पे। तो ब्लेंडर्स को अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि एम्ब्रोक्सिन डालने से परफ्यूम में क्या चेंजेस आती है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि एम्ब्रोक्सिन क्या है। एम्ब्रोक्सिन एक टाइप की केमिकल है जिसको बेसिकली एम्बर ग्रीस की सिंथेटिक कॉपी कहा जाता है। अर्थात जो एम्बर ग्रीस है, मेरे वर्ड को आप ध्यान दीजिए, एम्बर ग्रीस नॉट एम्बर, जो व्हेल वोमिट है वही है एम्बर ग्रीस। बहुत ही कॉस्टली सब्सटेंस है नेचुरल के तौर पे अगर देखा जाए तो। और ये जो एम्ब्रोक्सिन है ये भी काफ़ी कॉस्टली केमिकल है। तो इसको डालने से परफ्यूम में आपको एक अच्छा डिफ्यूशन मिलता है, एक सॉल्टी एक एक्वाटिक नोट इससे जनरेट होता है। और इसको अगर आप सही मात्रा में डाल पाते हैं तो आपके परफ्यूम में अच्छा फैलाव आपको मिलेगा। पर याद रखिए ये हर जगह पे इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। तो अब आते हैं लास्ट पॉइंट फिक्सेटिव्स पे। तो फिक्सेटिव्स किन चीज़ों को कहा जाता है? देखिए जिन चीज़ों को इस्तेमाल करने से परफ्यूम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसकी लॉन्गजीविटी बढ़ जाती है, उन्हें ही हम फिक्सेटिव्स कहते हैं। नेचुरल तौर पर अगर देखा जाए तो जो नेचुरल बेस ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि ओलिवेनम, बेंजोइन, स्टाइरेक्स, मीर, लेबडेनम, ये सारे रेजिनॉइड्स कैटेगरीज में आते हैं। अर्थात ये एक टाइप की रेजिन है और ये खुद फिक्सेटिव है, ये नेचुरल फिक्सेटिव है। अर्थात ये नेचुरल बेस ऑयल के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं और ये परफ्यूम को एक होल्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, परफ्यूम की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर हम केमिकल बेस्ड या फिर सिंथेटिक फिक्सेटिव्स में आते हैं तो जैसे कि मान लीजिए मस्क टाइप के फिक्सेटिव्स होता है, मस्क एम्ब्रेट, मस्क ज़ाइलॉल, मस्क कीटोन, और ये जो गैलेक्सोलाइड है ये एक टाइप की ब्लेंडर है और ये फिक्सेटिव के तौर पे भी काम करता है। टोनालाइट का भी सेम फंक्शन है। तो फिक्सेटिव की कोई एक पर्टिकुलर नाम पकड़ के आप मत चलिए, आप इसकी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। फिक्सेटिव्स के तौर पर हम कई सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेचुरल कस्तूरी था वो एक टाइम में इत्तस में इस्तेमाल होता था फिक्सेटिव के तौर पर। जैसे गुलाब के साथ कस्तूरी की जो कम्बिनेशन है ये बहुत फेमस कम्बिनेशन है, यहाँ पे कस्तूरी फिक्सेटिव का रोल प्ले कर रहा है। सैंडलवुड ऑयल जो है ये एक नेचुरल फिक्सेटिव है, किसी भी इत्र में अगर सैंडलवुड की ऑयल डाला जाता है तो उसको वो फिक्सेट करता है, पर थोड़ा ही मात्रा में। बहुत ज़्यादा अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बाकी अरोमा है उनके ऊपर हावी हो जाएगा। सो नाउ आई होप ऑल योर क्वेरीज आर रिजॉल्व्ड एंड वी आर एट द फाइनल स्टेज टू मिक्स एसेंशियल ऑयल विद एल्कोहल। तो अब हम एसेंशियल ऑयल के साथ अल्कोहल को मिक्स करने वाले हैं और इसके लिए एक बेसिक रेशियो का हम इस्तेमाल करेंगे, वो है 2:8, अर्थात 2 भाग एसेंशियल ऑयल के साथ आप 8 भाग तक की अल्कोहल को इस्तेमाल कीजिए या फिर मिक्स कीजिए। तो अगर आप 100 ml की एक परफ्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 20 ml तक एसेंशियल ऑयल को रखिए और बाकी 80 ml की जो क्वान्टिटी है यहाँ पर आप अल्कोहल को इस्तेमाल कीजिए। इथाइल अल्कोहल को इस्तेमाल करें तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पे 1 या फिर 1.5% आप जो डिस्टिल्ड वाटर है उसको डाल सकते हैं, इसकी भी एक फंक्शन है, काफ़ी बड़ा फंक्शन है, तो इसको अगर मैं तोड़ के समझाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये दूसरी किसी एक वीडियो पे मैं बात करूँगा इसके बारे में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एसेंशियल ऑयल्स की राइट मार्केट के बारे में। तो आपको एसेंशियल ऑयल्स लोकल मार्केट या फिर ऑनलाइन में कई सारे प्लेटफॉर्म पर ईजीली मिल जाएगा, पर मैं प्रेफर करता हूँ कुछ सिलेक्टिव ब्रांड्स को। पर्टिकुलरली ऑनलाइन में अवेलेबल जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, पर्टिकुलरली अमेजोन और फ्लिपकार्ट में लिस्टेड जो कंपनीज हैं उन पे मैं प्रेफर करता हूँ पराग फ्रेग्रेंस को। और पराग फ्रेग्रेंस की कई सारे एसेंशियल ऑयल्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। ये देखिए ये एक सेट है पराग फ्रेग्रेंस की, यहाँ पे कई सारे एसेंशियल ऑयल्स छोटी क्वान्टिटी में दिए गए हैं। इनको 100% प्योर या फिर बहुत ज़्यादा नेचुरल तो मैं नहीं कहूँगा,
पर ये प्राइस के हिसाब से बहुत सही चीज़ें हैं। नेचुरल जरूर है, थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, कुछ कुछ ऑयल्स मुझे डाइल्यूटेड लगा है, पर ओवरऑल क्वालिटी की तौर पे अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी सेटिस्फैक्टरी है और इनको इस्तेमाल करके आप नेचुरल परफ्यूम मेकिंग कर सकते हैं। और भी कई सारे बॉक्सेस हैं, देखिए उनकी, ये 15 ml की क्वांटिटी का है, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स यहाँ पे दिया गया है, 5 है इस बॉक्स पे। फिर ये भी एक प्रोडक्ट है उनका, ये एसेंशियल ऑयल्स रोल ऑन कैप के साथ आते हैं, आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी का है, फिर ये है पाइनएप्पल का। तो इनका एक छोटा सा वीडियो है एसेंशियल ऑयल्स का जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए आप लोग। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए परफ्यूम के बारे में और भी कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।